ऐसी चीजें बोलते हैं। वाह यार मजा आ गया। हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे एंड आई गेस मैं फिर से मतलब आई थिंक 10-11 डेज बाद मैं व्लॉग करी हूँ। मैंने व्लॉग स्टार्ट करे थे, मतलब एक बार व्लॉग स्टार्ट किया और वो आधा किया, उसके बाद मैं रुक गई, फिर मैंने दूसरा एक और व्लॉग स्टार्ट किया, फिर मैंने वो आधा किया, फिर मैं रुक गई। एक्चुअली होता ना जैसे मेंटली मैं चाह रही थी ब्लॉग करना बट वो हो नहीं पा रहा था। सो एक्चुअली हुआ ये था कि मतलब अभी ना 2-3 ऐसी चीज़ें चल रही थी हमारे साथ कि एक काम हुआ फिर वो हम बीच में स्टॉप हो गए, वो चेंज हो गया, तो मैंने फिर वो ब्लॉग भी बंद कर दिया कि अरे अब ये हो ही नहीं रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ब्लॉग ही ऐसे किया है कि आज हम ये ऐसा होने वाला है, वो होने वाला है, वो बंद कर दिया। फिर दूसरा एक और काम पे हम स्टार्ट हुए, फिर मैंने वो ब्लॉग स्टार्ट किया, आज ऐसा ऐसा होने वाला है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, वो काम फिर स्टॉप हो गया, फिर मैंने वो ब्लॉग बंद कर दिया। तो फाइनली अभी मतलब अब हमारा विजन एकदम क्लियर है कि क्या होने वाला है। तो वो जब ब्लॉग मैं उसका भी कर रही हूँ बाय साइड कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना नॉन रेगुलर ब्लॉग होता है वो भी कर रही हूँ। तो वो जो साइड बाय साइड वाला ब्लॉग है वो जब एडिट करके मैं डाल दूंगी, प्राइवेट कर दूंगी, और जब मुझे लगेगा कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, थोड़े टाइम बाद लाइव करूँगी, एकदम अभी नहीं करना है। तो येस लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ तो आज मैं थोड़ा एनर्जेटिक भी काफ़ी फील कर रही हूँ। होता है समटाइम्स आपको मोटिवेशन नहीं आता है, तो मुझे अभी वो मोटिवेशन नहीं आ रहा था, ना तो व्लॉग बनाने का आ रहा था, ना कुछ कम मतलब नहीं आ रहा था मुझे काम का इतना मोटिवेशन। मैं इतनी वैसे जोन में चल रही थी बट नाउ आई एम बैक। और होता है कभी कभी काफ़ी लोग पूछते हैं आप इतनी एनर्जेटिक कैसे रहते हो। एनर्जेटिक रहती हूँ तब मैं आपको व्लॉग्स में दिखती हूँ, अगर मैं एनर्जेटिक नहीं रहती हूँ तो मैं व्लॉग बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर वो होता है फिर मैं रेस्ट लेती हूँ, मतलब दिमाग को शांति देती हूँ, तो वैसा है। एंड आज काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी ऐसे सनलाइट आई है, अदरवाइज काफ़ी ऐसा क्लाउडी सा हो रहा था। अभी भी हेजी है वेदर जो है बट स्टिल। और ये हमारे विक्की जी है, मतलब मैं उठ गई थी आज, हम लोग उठ गए थे 7:30 पे, मैं तो 7 o'clock पे आज मेरी नींद खुल गई थी, लेकिन 7:30 पे हम लोग उठ गए थे, बट फिर वही लेजी काम चल रहा है। अभी 1 घंटा ऐसी वेस्ट टाइम पास किया है मैंने लिटरली। और अब 8:30 हो गया है तो अब काम वापस से चालू करेंगे, क्लीनिंग का काम होगा। सैटरडे हैज यू ऑल नो। फिर आप क्या करोगे, घर गंदा करोगे फिर से। एंड ऑल्सो आई रिसीव्ड येस्टरडे दिस डर्मा कोका मास्टर क्लास सेशन होने वाला है, तो उन्होंने कुछ ऐसे गुडीज़ भेजे हुए हैं मुझे। एक तो ये इनवाइट भेजा हुआ, एक तो ये मास्टर क्लास का इनवाइट भेजा हुआ है, फिर एक ये पाउच है, एक डायरी है, और ऐसे कुछ बेसिक से प्रोडक्ट्स हैं। मैंने ये 3 जो है चुंबक से ये बॉक्सेस मंगवाए हैं, तो ये मेटल वाले बॉक्सेस हैं, स्टोरेज बॉक्स हैं, एयर टाइट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तो एक्चुअली ये मैंने अपने लिए नहीं मंगवाए थे, ये मैंने मंगवाए थे किसी को गिफ्ट करने के लिए, बट मैंने उसको कुछ और चीज़ गिफ्ट कर दी और मुझे इतने ज़्यादा क्यूट लगे कि मैंने ये रख लिया है अपने लिए। तो डू लेट मी नो ऐसा आपके साथ होता है कि आप किसी के लिए मंगवाते हो और आपका मन आ जाता है उस चीज़ के ऊपर। तो ये है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए ये। तो एक सेकेंड में इसको ओपन करके बताती हूँ। काफ़ी टाइट है ये एंड ये एयर टाइट है, तो कुछ भी आप ऐसे आराम से चीज़ें जो है वो इसके अंदर रख सकते हो। ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए काफ़ी सही है। और हाँ, इसको आप है ना ऐसे आपको अगर वॉश भी करना है तो स्पॉन्ज वॉश जो होता है ना, लाइट वेट आपको वॉश करना रहेगा, ऐसे आप बहुत हार्श तरीके से वॉश नहीं कर सकते। उसके बाद अगेन मेरे पास कुछ क्राफ्ट का सामान आया है, तो मैंने ये एक्रेलिक मार्कर्स मंगवाए हैं एक तो, और दूसरा ये 3 कुछ इस तरह के फ्रेम्स हैं जो कि आए हैं मेरे पास। ये वार्निश मेरा ख़त्म हो गया था तो ये मैंने मंगवाया है, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं। तो एक्चुअली अभी पता है मेरे साथ क्या हो रखा है, मैं ना अपने सारे जो भी आइडियाज़ होते हैं वो ऐसे नोट डाउन कर लेती हूँ अपने डायरी में। तो आई हैव सो मेनी आइडियाज़ फॉर रील्स, आई हैव सो मेनी आइडियाज़ फॉर DIYs, आई हैव सो मेनी आइडियाज़ फॉर दिस एंड दैट। तो जब ज़्यादा आइडिया हो जाता है ना तो मेरा ब्रेन एकदम काम करना बंद कर देता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। जब आपको पता होता है हाँ एक ही चीज़ हमको करनी है ना, तो वही वाला हो रहा है, खिचड़ी हो गई। मेरे साथ पहले भी हुआ है, आई थिंक मैंने शेयर भी किया है कि ज़्यादा चीज़ें जब फ्लोट करने लगती है इधर उधर कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, तो मेरा दिमाग एकदम अभी उस जोन में जा चुका है कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ और क्या करूँ, वैसा वाले जोन में मैं पहुँच गई थी। इसलिए जब मैं इस जोन में पहुँच जाती हूँ तो फिर मुझे ब्लॉग करने का भी मन नहीं करता है, मतलब मैं बहुत कन्फ्यूज स्टेट में हो जाती हूँ। ये सब चल रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। सो येस एंड आज का दिन स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ सारी वेजीज वगैरह आई हैं और थोड़ा सा मैसी भी हो रखा है घर, तो घर थोड़ा क्लीन करूँगी, सॉर्ट आउट करूँगी एंड देन फिर दिन की शुरुआत करते हैं। एंड ऑल्सो मुझे 5 days, आई थिंक 5-6 days हो गए ऑलरेडी, मुझे एक ये मेरी सब्सक्राइबर है जिनका नाम है नेहा, और उन्होंने मुझे ये आर्ट भेजा है। मैं अभी आपको इसको पास से दिखाऊंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब आर्ट भेजा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मुझे भेजा तब मुझे पता चला कि ऐसा कोई आर्ट भी एग्जिस्ट करता है। सारे आर्ट देखो बहुत अच्छे होते हैं, सब में मेहनत लगती है, सबके पीछे बहुत ही इमोशंस, मेहनत और बहुत सारा वर्क होता है, हार्डवर्क होता है। बट मैं इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ, जैसे मैंने ये कभी देखा ही नहीं था कि इसके पहले भी इस तरह का कोई आर्ट एग्जिस्ट करता है। बाकी सब ऐसे देखे हुए होते हैं ना कि हाँ देख रखा हुआ है। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल फ्रेम। और आप देखो, मैं अगर आपको पास से दिखाऊं तो ये पूरा उन्होंने ना पेपर को रोल कर करके ये बनाया हुआ है। एंड लुक एट दिस, मतलब अगर आप बारीक पास से देखोगे तो कितना बारीक और कितना फाइन वर्क किया है ये। सो इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी। एंड पूरा पेपर से ही इन्होंने हम लोगों का ये बनाया हुआ है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। एंड दूसरा उन्होंने मुझे ये मैग्नेट भेजा हुआ है, फ्रिज मैग्नेट, जिसको मैंने अपने फ्रिज में लगा भी लिया था। ये मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया है, ये लगा लिया है मैंने ना, अभी यहाँ पर रख दिया क्योंकि मुझे कोई और जगह समझ में आ नहीं रही है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। आज है बेडशीट चेंज का डे, तो बेडशीट चेंज कर लेते हैं। तो आज मैं ये वाली बेडशीट लगाने वाली हूँ। तो ये आई थिंक जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था ना, जब बेडरूम मेकओवर का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बेडशीट यूज़ करी थी, उसके बाद सीधे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, बैल्कनी जो है उसकी थोड़ा सा जो प्लांट की डायरेक्शंस है वो चेंज कर रही हूँ, मतलब प्लेसमेंट्स चेंज कर रही हूँ सारे प्लांट्स का। जो मैंने इस तरफ दिखाती हूँ मैं आपको, जो मैंने इस तरफ ये रखा हुआ था ना, इसको मैं यहाँ पर इधर पे प्लेस करने का सोच रही हूँ, और ताकि यहाँ थोड़ा खुला खुला हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तो नीचे ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे मिट्टी कलेक्ट हो जाती है, तो वो क्लीन नहीं हो पाता है। क्योंकि डेली वॉश नहीं करती हूँ, बारिश का सीज़न है तो है ना, कोई मतलब नहीं होता है वॉश करने का। तो लेकिन अभी मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट जो है वो इसका चेंज कर रही हूँ, तो अभी मैं वही काम करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से ये चेंज कर दिया है। एंड थैंक गॉड आज थोड़ी सनलाइट है, तो कुछ प्लांट्स को, मेरे जो प्लांट है जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, ये है उसका मैं यहाँ पर नाम लिख दूँगी स्क्रीन पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये जो प्लांट है ना, इसमें आई थिंक ये ठंडी का प्लांट है, ये थोड़ा सा डेड हो गया था आई थिंक ओवर वाटरिंग की वजह से, तो मैंने कटिंग कर दिया है। अब ये काफ़ी वापस से वो हो रहा है, ग्रीन हो गया है फुल, मतलब फिर से ठीक हो रहा है, वापस से ये ठीक हो गया है, तो थैंकफुली ये है। उसके बाद ये जो प्लांट है इसमें ना ये लीव जो है ये थोड़ी येलो हो रही है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पानी ज़्यादा है या पानी कम है, उसका कुछ इशू इसके अंदर आ रहा है। तो वो भी आज थोड़ी सनलाइट ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बेटर हो जाएंगे जो प्लांट्स हैं। यस, ये वाला ठीक कर रहा है काम। उसके बाद ये भी मैंने ना यहाँ से पूरी जो इसकी रूट थी वो इस तरह से पूरी सड़ गई थी, तो इसको भी मैंने पूरा कट कर दिया है। तो जब भी आपको लगे कि आपका प्लांट खराब होने लगा है तो उसको वेट मत करिए कि वो ठीक हो जाएगा, उसको तुरंत वहीं से कट कर दीजिए, तो बाकी का जो अच्छा प्लांट होता है ना वो एटलीस्ट बच जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, हम सोचते हैं, मैंने ऐसा पहले किया है मिस्टेक कि मैं सोचती हूँ नहीं ठीक हो जाएगा, मैं पानी दूंगी, ज़्यादा पानी देने लगते हैं हम या सनलाइट ज़्यादा दिखाने लगते हैं, तो वो और ज़्यादा मिसबिहेव करने लगते हैं, मतलब वो और अपसेट हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि जो खराब हो चुका है उसको फटाफट वो स्टेम के साथ हटा दीजिए उसको, तो एटलीस्ट जो बचा हुआ है जिसमें जिस सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आई है वो ठीक से चलता है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा मिट्टी, ये तो खैर अभी मेरे उससे हुआ है, तो यहाँ पर मैं वॉश कर दूंगी इसको। चलिए बताए, मैं जब शार लेकर के आई हूँ तो विक्की यहाँ पानी पी रहा है बैठ करके। ये क्या हुआ, एकदम ऐसे चौक करके बैठते हैं ना, जैसे कुछ याद आ जाता है किसी को, तो ये वैसे बैठा हुई। मैं यहाँ पर अपने कपड़े निकाल रही थी तो मुझे इतनी तेज हंसी आई। एक्चुअली क्या हो रहा है, विक्की की हैबिट है ये खड़े होकर के पानी पीता है ना, कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो कभी नहीं, ये पीती है नहीं, मैं नहीं पीती हूँ। इनको कभी टॉर्चर करती है, टॉर्चर नहीं तो मैं क्या करती हूँ। नहीं ये इंसान, सच बता रहा हूँ, ये इंसान, ये शक्ल याद रखो, ये इंसान 2-2 घंटे रामदेव बाबा के ये वीडियोस लगा देगी। नहीं, रामदेव बाबा के नहीं, कौन सी लेडी थी, बीके शिवानी जी के वीडियो सुनाती है ये, कभी कुछ का कुछ सुनाएगी 2-2 घंटे मतलब मैं क्या करके रखा, अब मैंने चिल्लाना छोड़ दिया है कि मैं किसी भी चीज़ पे ना झगड़ा करूंगी ना मैं चिल्लाऊंगी, अच्छी हैबिट से ये तो मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको एक बार बता दिया कि यार देखो बैठ के पानी पिया करो, मैंने इसको कंटिन्यूस 4-5 दिन बोला बैठ के नहीं सुनता, ये नहीं सुना। एक दिन मैंने क्या किया, मैं ये रात में खड़े होकर के डच 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 पूरा पानी पी गया, तो मैंने क्या किया शांति से मोबाइल निकाला, रामदेव बाबा जिसमें बता रहे हैं और जो जो भी बताते हैं उन सबका प्ले लिस्ट चालू कर देती हूँ, वो चलता रहता हाँ मेरी माँ मैं नहीं पीऊँगा। तो अब ये कोई भी ऐसा काम करता है और वो इंसान की शकल लगो कितना टॉर्चर करती है, ये टॉर्चर नहीं है ठीक है, ये अच्छी चीज़ों के लिए अभी नहीं सुन रहा है तो मैं क्या ही बोलूँ। तो ट्राई दिस ट्रिक एट योर होम एज वेल। ठीक है आज संडे और अभी मैं थोड़ी देर पहले सो करके उठी हूँ, जल्दी उठ गया, मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा 9 बजे तक सोऊंगी बट फिर भी मैं 8 o'clock पे उठी गई, मेरी नींद खुल गई एंड अभी भी बारिश हो रही है बाहर, तो मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको एंड बैल्कनी दिखाती हूँ कि आज मेरी बैल्कनी कितनी क्लीन लग रही है। ये देखिए यहाँ पर पूरा कल हम लोगों ने क्लीन किया है, वॉश किया है, एक्चुअली पूरा घिस के वॉश किया है, मतलब एक भी मिट्टी का कुछ वो नहीं है। और ये जो हमारा प्लांटर है इसमें हम लोग हिबिस्कस लेके आए थे, जो हमने दूसरे प्लांटर में, अभी इतना बड़ा है कि इसमें हमने कुछ लगाया नहीं, ऐसे ही रखा हुआ है। और ये कोई सा प्लांट है जो डेड हो गया था, तो ये दोनों प्लांटर हमने ऐसे ही रख रखे हैं, बाकी सब अच्छे से लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें फ्लावर आ रहा है और बाकी मैंने ये सारा यहाँ पर रख दिया, जो फ्लावर्स वाले थे ना जो इधर रखे हुए थे उनकी लोकेशन इधर चेंज कर दी है, तो ये काफ़ी सही लग रहे हैं अब यहाँ पर। तो ये ऐसा हो गया है और जो यहाँ पर एक हैंग्ड था क्योंकि वो वहाँ पे अटक रहा था तो उसको मैंने इधर पे टांग दिया है, तो मनी प्लांट ऐसे ऊपर बेल चढ़ा दी है इसकी। I'm happy, it's not the first time I feel good, but it's been a while since that happened, knock on wood, I try to stay cool. Okay guys, तो अभी मैं कर रही हूँ कुकिंग, रोटी बना रही हूँ, एक्चुअली सब्जी जो है वो पनीर की बन चुकी है, पनीर भुर्जी बनाई है। और आज संडे है, यूजुअली हम संडे को कुछ स्पेशल खाते हैं या बाहर का खाते हैं, घर पे नहीं बनाते हैं, बट आज हम घर पे बना रहे हैं, तो मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। किचन इज़ ऑल क्लीन। ओके गाइज, तो अब मैं जा रही हूँ शार लेने के लिए, आई जस्ट टुक शार और अब फटाफट से खाना खाने के लिए बैठती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया है और लड़ रही है सुबह से मेरे से। लड़ नहीं रही हूँ, हमारा कट्टी चल रही है, कट्टी। और मैं इसलिए कट्टी होकर के बैठी हुई हूँ क्योंकि ये पूरे वीक काम करता है, पूरे वीक मतलब मंडे से लेकर के सैटरडे संडे, सैटरडे को भी ये काम करता है और संडे को। मैं इसी की हेल्थ के लिए बोलती हूँ कि एक दिन माइंड को रेस्ट रखना ज़रूरी है। ये बैठ जाता है सुबह 9-10 बजे से, नहा धो के कहाँ बैठा है, ये अपने काम पे बैठा हुआ था। तो मैं बोलती हूँ यार एक दिन तो खुद मेरे लिए नहीं खुद के लिए तो रखो। तो बोला अरे हमको काम करने में मज़ा आता है, अरे भाई इतना क्या काम। तो फिर मैंने कहा भी क्या बोल सकते हैं। अभी शाम हो चुकी है, आज दिन में वैसे भी संडे था तो कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया इन द सेंस मीन सिर्फ सीरीज़ देखी है। खाना वाना खाने के बाद मैंने सिर्फ लिटरली सीरीज़ देखी है और उसके बाद फिर अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी तो वो मुझे बता रही थी। अभी क्या हुआ है, फिर से अनलॉक होने के बाद अगेन केसेस जो हैं वो मुंबई में तो बढ़ना स्टार्ट हो गए। फिर से ग्राफ जो है वो जो एकदम नीचे हो गया था वो इससे ऊपर जाने लगा है। लेकिन ये जो अननेसेसरी लोग निकल रहे हैं तो बाप रे, इन लोगों का तो मतलब क्या ही कहने हैं। आप सोचो, वो मुझे बता रही थी कि लोनावला में जो भी मुंबई के आसपास वाले एरियाज है जैसे लोनावला, खंडाला, करजत और अलीबाग वगैरह, यहाँ पर 2 मंथ्स की एडवांस बुकिंग चल रही है। इस हिसाब से लोग बिल्कुल गेट अवेज करने के लिए निकल रहे हैं। जो नॉर्मली में नहीं जाते होंगे ना, वो भी सब अभी जा रहे हैं। इवन मेरे पर्सनल जो प्रोफाइल है, जैसे मेरा तो जो भी फ्रेंड सर्कल है वो मोस्टली सब भोपाल का है और काफ़ी लोग भोपाल में ही हैं। तो पचमढ़ी निकल गए, सीहोर के आसपास रिजॉर्ट्स हैं वहाँ चले गए, भोजपुर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड सब लोग घर में रह करके बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, हम नहीं है तो क्यों निकलना, क्या इतना ज़रूरी है हम लोगों का गेट अवे। आज मुंबई का वेदर बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा लग रहा है बट बिल्कुल भी क्लाउडी नहीं है, बहुत क्लीन एंड अच्छा वेदर हो रखा है। मेरे पास ना ये एक ऐसा शो पीस टाइप का बोल सकते हो पड़ा हुआ था, जो कि ऐसे स्टोर वाले उसमें पड़ा हुआ था। मतलब ये देखिए कितना गंदा हो रहा है, अभी इसको मुझे क्लीन करना है। एंड यहाँ पर एक और ऐसा जो बल्ब होता है वो यहाँ पर भी लगा हुआ था, प्रोपिगेशन सेंटर आप उसको बोल सकते हो, बट इसमें बहुत डस्ट हो रही है। और ये ना एक दिन ऐसे लुढ़क गया था, तो ये तो बहुत पतले से होते हैं, तो ये तो टूट गया इसका जो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ था, तो एक तरफ रखा हुआ है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, ये जो कप बना हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा पेंट वेंट करके यहाँ पर इस तरीके से कुछ ऐसा कुछ कर दिया जाए इसमें, तो ये ऐसा काफ़ी अच्छा लगेगा, ऐसे छोटा सा क्यूट सा DIY हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी यूज़ कर रही हूँ ये एक्रेलिक मार्कर्स हैं। इनको आपको ना ऐसे पेंट नहीं करना होता है, बस देखिए मैं ये एक्रेलिक मार्कर्स चला रही हूँ, इट्स वेरी इजी है। ओके गाइस, तो आई जस्ट मेड दिस, इसमें लिखा हुआ है हैप्पी डे, दैट्स इट। और इसको मैं उसमें हैंग कर दूँगी। थोड़े पेस्टल कलर्स यूज़ करें सो दैट यू नो मॉर्निंग में जब भी उसको देखें तो कॉफ़ी टेबल में कॉफ़ी मग और उसमें रहेगा हैप्पी डे। ओके गाइज, नाउ वी आर हैविंग आवर डिनर। तो आज हम बाहर का खा रहे हैं एंड नाउ आई एम हैविंग माई डिनर। हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते ही नहीं, हम यहीं पे बैठते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं और व्यू का मजा लेते हुए। सो यस, अब मैं डिनर करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एंड आज है मंडे, तो सुबह के जो काम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। मेरी रोटियाँ बन गई है। मैं सबसे पहले जब मेरी सब्जी होती है तब तक मैं रोटियाँ जो है वो पूरी बना लेती हूँ, सारी वो बन चुकी है। अब यहाँ पर दाल हो रही है, यहाँ पर दाल का तड़का प्रिपेयर कर रही हूँ, ये मेरे बन रही है। आज हमने लौकी की सब्ज़ी बनाई है। मतलब वीक डे में हम लोग ज़्यादा मसाले वाला, मतलब मैं डेली बेसिस पे अदरक एंड लहसुन नहीं खाती हूँ। दाल बगाड़ने के लिए यहीं से हम लोग लेंगे कड़ी पत्ता। जब मैं डेली का खाना बनाती हूँ ना तो ये इस तरीके से जलती है कढ़ाई मेरी। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाली जो स्पेशली कढ़ाई है ये मेरी जल ही जाती है, क्योंकि अब जैसे लौकी हो गया, बहुत सारे लोग लौकी को कैसे कुकर में वो करके बनाते हैं, बट मैं डायरेक्ट फ्राई करती हूँ। तो लौकी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है और ऑयल इतना यूज़ करते नहीं है, पानी थोड़ा बहुत छिड़कती हूँ मैं, तो ये इस तरह से जलती है बट क्लीन भी हो जाती है। और अभी मुझे फटाफट से, आज मंडे है तो एक्चुअली क्या होता है ना, सैटरडे संडे इतना ज़्यादा रश रहता है यहाँ पर, इतना रश रहता है, पूरा मुंबई ऐसा लगता है रोड पर रहता है। तो इसलिए आज मंडे है तो मैंने सोच रही हूँ आज मंडे को भीड़ नहीं होगा, तो भी मुझे कुछ चीज़ें, जैसे मेरा जैगरी खत्म हो गया, नहीं जा रही हूँ फटाक से, तो मैं आप लोगों को आज ले करके चलती हूँ बाहर। बहुत टाइम बाद बाहर वाली ब्लॉगिंग करेंगे आज, यूजुअली नहीं तो अभी घर ही घर में देख रहे थे आप। तो अभी फटाफट से निकलते हैं, विक्की कार में रहेगा, मैं जाऊँगी। तो मैंने देखो ऐसे पूरा बन बना लिया, मैं बाहर जाती हूँ तो अभी भी फुल प्रिकॉशंस के साथ जाती हूँ। आकर के क्योंकि मुझे शार लेना है ना, इसलिए 15-20 मिनट में फटाफट सामान उठाऊँगी। और ये मैंने पहना हुआ है अपने नाइट सूट का एक पजामा, तो इसको फिर वॉश करने के लिए डाल दूंगी। तो अब मैं आपसे मिलूंगी मोबाइल के कैम्प से। तो ये रही हमारी टू डू लिस्ट, फटाफट टू डू लिस्ट बन गई है। बैग्स, हेलो गाइस, यहाँ पर पूरी पार्किंग में सब लोग गाड़ी खड़ी करते हैं और यहाँ ऊपर वाले में कोई गाड़ी खड़ा नहीं करता है, क्योंकि वो फिर ऊपर नीचे का सिस्टम होता है ना, तो यूजुअली ये ऊपर वाला पूरा खाली रहता है। बहुत कम लोग ही मैंने देखे हैं जो यहाँ पर अपनी कार जो है वो पार्क करते होंगे। ड्राइवर चले, जय गणेश। हम आ गए हैं, आप कार में बैठे हो ना, सामान मैं ट्रॉली में लेकर के डायरेक्ट आऊंगी, है ना, ठीक है। तो मैं जाती हूँ। Do you recall when we running from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. ले लिया है सामान. एक्चुअली हम सारा ग्रोसरी यहाँ से नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा 5000 की चीज 10,000 की हो जाएगी. हाँ, 5,000 की चीज लिटरली 10,000 में आएगी. मेन लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, वो हम यहाँ से ले लेते हैं. बाकी सब अब हम जो नॉर्मल ग्रोसरी मार्केट होता है ना, जैसे डी-मार्ट हो गया, मोर हो गया, बिग बाज़ार हो गया. तो बिग बाज़ार तो हम जाते ही नहीं है, हमारे बिल्कुल घर के सामने ही ग्रोसरी स्टोर है, लोकल है ना, वो वहाँ पर जा रहे हैं. Time has gone and I grew up and somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are and if you found a way. Okay guys, so हो गया है हम लोगों का पूरा ग्रोसरी शॉपिंग इस मंथ का. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. तो ये है हम लोगों का लंच. पापड़, अनियन, विकी अनियन ज़्यादा नहीं खाता है और हाँ मैं थोड़े से ले लूँगी बस. ये साउथ इंडियन मद्रासी चूड़ा है, बहुत टेस्टी लगता है. एंड ये दाल, ये लौकी की सब्ज़ी और ये चपाती. तो ये हम लोग एकदम सिंपल शुद्ध शाकाहारी इंडियन भोजन करते हैं. एंड अभी मेरे पास काफ़ी सारा ये ग्रॉसरी रखा हुआ है, ये ऐसे ही रखे रहने देंगे हम लोग. सैनिटाइज ऑल्दो हमने कर दिया है बट स्टिल शाम को या नेक्स्ट डे ही मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगी. भी तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा. सिर्फ जो ऐसी चीज़ें जैसे चीज़ वीज़ है, एक दो चीज़ें जो फ्रिज में रखना है वो फ्रिज में रख दूँगी, बाकी ऐसे ही पड़ा रहेगा. एंड पार्सल भी आया हुआ है कुछ. तो मेरा जो एडिटिंग है वो अभी ख़त्म हो चुका है, मतलब जो मेरा वर्क था. अभी मैं फ्री हो गई हूँ, आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गई हूँ. तो एक्चुअली क्या हुआ ना, अभी हमारे घर में कोई आया था. तो हमारे जो ओनर हैं, जो इस घर के ओनर हैं, तो एक्चुअली हमारे जो ओनर हैं वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और इनके घर का एक केयर टेकर है जो मुंबई में ही रहते हैं. तो उन्होंने ना हमारे घर के पिक्चर्स मांगे होंगे कि आप थोड़ा पिक्चर्स दे दो लेआउट का. बट एक्चुअली हमारे पास खाली वाले पिक्चर्स नहीं थे, जो डेकोरेटेड है वो पिक्चर्स हमारे पास भर भर के हैं. तो हमने वो वाले पिक्चर्स विक्की को दे दिए. तो उन्होंने ना उनके कोई वही साथ वाले आए यहाँ पर, आज घर आए थे, कुछ देखना था उनको, काम वाम था, थे 10 मिनट के लिए. एक कपल आए थे तो उन्होंने पता है विक्की को क्या बोला, हाँ बताओ बोलो. हमने जब पिक्चर देखा उसका, हाँ, तो फोटोज में ऐसा लगा कि कहीं कोई मतलब सैंपल फ्लैट टाइप की तो फोटो नहीं भेज देगी, बिल्कुल सजा सजा बिल्कुल फ्लैट बना करके भेज दो. एक काइंड ऑफ जैसे स्केच बना करके दे दिया हो किसी ने, वैसा टाइप का फ्लैट लगा उनको. they were feeling that it is an artificial flat. हाँ. It is not a real flat. लेकिन आने के बाद उनको लगा कि नहीं, मतलब आप सोचो उनका फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने उनको हेलो बोला ऐसे करके, तो वो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन देखते हुए बोलते हैं आप इंटीरियर डिजाइनर है. मैंने बोला नहीं नहीं, मैं मेरे को शौक है मतलब होम डेकोर का. तो आपको कैसा लगा जब अपने घर में लोग आकर के ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं? विक्की को प्राउड हो रहा हूँ मुझे तो, बाप रे. ऐसा जब से वो बोल के गए तब से मैं अपने घर के वापस से सारे फोटो मैं पूरे घर में, एक्चुअली मैं पूरे घर में नाच मतलब मजा आ गया कि वाह यार वाह यार वाह यार, मजा आ गया. ऐसे कोई इतना समय बोल के जाता है ना घर के लिए, मतलब जो आपने एफर्ट्स लगाए घर को डेकोरेट, दो वो हमने हमारे लिए लगाए, मतलब मुझे ऐसे रहना पसंद है. लेकिन कोई जब थर्ड पर्सन ऐसे बोल के जाता है ना, कमेंट्स में मेरे पास बहुत आता है, लेकिन उन्हें रियल में जब खड़े होकर के एक देखो फोटो देख में अलग होता है और सामने से जब आप देखते हो तो वो सामने खड़े होकर के दोनों हस्बैंड वाइफ ऐसे बोल रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, तो वाह, मंत्रमुग्ध हो गई मैं एकदम से. तो यस, आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ इसी नोट पे, बहुत हैप्पी वाले नोट पे. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.